जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट फाइन होंगे और अपने काम को अच्छे से मस्त से कर रहे होंगे। देखिए, बिहार पुलिस फायरमैन से रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चन क्यूरी आ रहे हैं कि सर बिहार पुलिस फायरमैन का कोई अपडेट दीजिए। तो बिहार पुलिस फायरमैन का कोई अपडेट रहेगा तभी तो हम देंगे। बिहार पुलिस फायरमैन का मेडिकल चल रहा, बस चल रहा, इसके सिवा तो कोई स्ट्रॉन्ग अपडेट नहीं निकल के आ रहा। एक आप लोगों का अपडेट ये रहने वाला है कि मेडिकल जो है आप लोगों का कंप्लीट होने वाला है। लास्ट मेडिकल आपको 10 तारीख को है और मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जैसे आप लोग का मेडिकल का रिजल्ट हो सकता है एज सुन एज पॉसिबल देखने को मिल जाए, मतलब वो लोग जो है आपको मेडिकल का रिपोर्ट जो है आपके क्या बोलते हैं मुख्यालय में, जो फायर का मुख्यालय है वहां पर भेजने लगेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, वे लोग पूरा ठान लिए हैं, गांठ बांध लिए हैं। जो भी डॉक्टर्स नोडल अधिकारी हैं वे लोग गांठ बांध लिए हैं कि जब तक मेडिकल कंप्लीट नहीं होगा तब तक जो है हम लोग मेडिकल का रिपोर्ट नहीं देंगे। तो ये जो है फुली ट्रांसपेरेंसी हो रहा, जो कि अच्छी बात है, आप ही लोगों के लिए अच्छा है। जो भी लड़के मेडिकली फिट हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और ऐसे एक एक दो दो करके मेडिकल आता है तो लड़के लगते हैं इधर उधर घूमने, फिर जो है इसमें दलाल दुल्ली जो है पैसा वगैरह भी कमाने लगते हैं ना बहुत। अब जैसे मान लेते आपका मेडिकल आज हुआ और फिर जो है आपको रिजल्ट बता दिया गया आप फेल हैं कि पास है, तो फिर आप अगर फेल हो गए, पास हो गए तो अच्छी बात है, फेल हो गए तो आप क्या करिएगा कि इधर उधर लगिएगा पहुंच लगाने के, हम थोड़ा जुगाड़ लगा लें, ये लगा लें, जबकि ऐसा होता नहीं है। री मेडिकल में आप पास हो जाते हैं, अगर आप सही हैं तो बिल्कुल पास होंगे, गलत हैं तो गलत हैं। तो जब जुगाड़ लगने लगता है तो होता क्या है कि इसमें बहुत सारे दलाल दल्ले जो हैं आपको मिल जाएंगे चौराहे चौकी पे, तो जो है ये पैसा कमाने लगते हैं और बहुत ज्यादा जो है इसमें लोग फंसने लगते हैं। वे लगेंगे झांसा देने के, अरे हमको इतना पैसा दो हम तुमको पास करवा देंगे करवा देंगे। तो जो कि ये अच्छी बात है, ट्रांसपेरेंसी है, सबको एक ही साथ रिजल्ट देखने को मिलेगा, कितने लड़के फेल हुए, कितने लड़के पास हुए, कितने को री मेडिकल मिला, ये सब कुछ आपको पता चलेगा तो अच्छी बात है। एक बार पता चलेगा फिर आपको एक 2 दिन का समय मिलेगा, फिर आपका री मेडिकल हो जाएगा, फिर सभी लोग जो जिस हिसाब से उस हिसाब से पास हो जाएंगे। तो ट्रांसपेरेंसी की वजह से जो है ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिल रही है। ठीक, तो 10 के बाद जो है आपका मेडिकल खत्म हो जाता है, फिर 1 से 2 दिन में जो है आपका मेडिकल का रिपोर्ट भी मिल जाएगा कि कितने लड़के फेल पास हुए हैं। एक चीज और जानकारी में आई है आप लोगों का, स्पेशली आपके पुलिस वेरिफिकेशन से रिगार्डिंग, वेरिफिकेशन का अपडेट अभी तक क्या रहने वाला है। बहुत लड़के का जो है पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा, आपको भी पता है, बहुत लड़कों का हो गया होगा। तो देखिए, जिनका हो गया है उनमें से बहुतों का जो है पुलिस वेरिफिकेशन का लेटर जो है वहां से लेटर मुख्यालय में भेज दिया गया है, लेकिन बहुत लगभग जो है 40% लड़कों का जो है अभी तक पुलिस वेरिफिकेशन का रिपोर्ट नहीं आया है। तो एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों का वो भी रिपोर्ट आपके मुख्यालय में भेज दिया जाएगा, मतलब कि अभी 60% के आसपास जो है लड़कों का पुलिस वेरिफिकेशन का रिपोर्ट गया है। जिनका हो भी गया है उनका भी रिपोर्ट नहीं गया है, मतलब कि उनके जिला से भेजा नहीं गया है। अब कुछ रीजन वश नहीं भेजा गया होगा, तो धीरे धीरे ये भी आ रहे हैं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है आपके मेडिकल का रिजल्ट पब्लिश ना करने का। ठीक, अब जो है आपका कोई मुख्य प्रोसेस नहीं बचा है जिसमें आपको आउट किया जाए। तो ये दिमाग में जिसके फितूर चल रहा है कि अरे हम बाहर हो जाएंगे, तो ये अब कोई बाहर होने वाला नहीं है। सब लोग जो हैं फिट हैं, सब लोग पास होंगे, सबका नौकरी एकदम कंफर्म है 110%। अब चीयर अप कर सकते हैं लेकिन ज्यादा हल्ला करके नहीं। होली का समय चल रहा है, होली में शांति बनाए कर रखे, अच्छे से खाए पिए, घर में रहें, अपने ज्यादा कोलाहल नहीं बचाना है। नई नई नौकरी लगने वाली है, पहले ही आपका कैरेक्टर खराब हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एक बार नौकरी ज्वाइन कर लो। ये बताना चाहूंगा आप लोग ज्वाइनिंग और आपके ट्रेनिंग से रिगार्डिंग कि जैसे आपका ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग कब तक देखने को मिल सकता है। तो ज्वाइनिंग तो आपका अप्रैल में होगा, मार्च तो लगभग इसी तरह खींच ठेल मठेल के खत्म हो जाएगा, मार्च में हो सकता है लास्ट में आपको मिल जाए। बाकी ट्रेनिंग का ये सीन है कि ट्रेनिंग पे आप लोग इतना जल्दी नहीं जाइएगा, जाइएगा वहां पे कुछ दिन ड्यूटी करिएगा, आफ्टर ड्यूटी हो सकता है आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाए। और ट्रेनिंग के लिए ज्यादा आपको क्यूरियस नहीं होना है कि ट्रेनिंग नहीं करेंगे ये होगा होगा, ट्रेनिंग पे आपको भेजा जाएगा। और एक समूह में सब लोग नहीं जाएंगे, हो सकता है 2 समूह में आपको भेजा जाए, या ये भी हो सकता है कि जो होमगार्ड के ट्रेनिंग सेंटर जो खाली रहेंगे वहां पे आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाए। बाकी आप लोगों का ट्रेनिंग सेंटर मात्र एक ही है बिहटा में जो है, उसका भी मैन पावर लगभग 800-900 के ही आसपास है, या उससे भी कम है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो 2 शिफ्टों में आपका ट्रेनिंग हो सकता है, मे भी कराया जाए। ट्रेनिंग को लेकर चिंता नहीं होना है, बस ये सोचिए आपको सैलरी आपका मिलना चाहिए, काम करिए अपना सैलरी लीजिए, बस सारी अपडेट है। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन क्यूरी चल रहा है या किसी तरह का आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसको बिल्कुल आप लोग कमेंट करिएगा, और अभी भी आपको सेफ रहने की जरूरत है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले कोई नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।